तो काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि आईआईटी जेई मेंस 2017 में पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है ग्राफ से रिलेटेड है। पूछा गया है, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो ये चार ग्राफ दिए गए हैं, हमें सेलेक्ट करना है कि सही ग्राफ जो है वो कौन सा ग्राफ है। जैसे अगर किसी पार्टिकल को ऊपर आप फेंकेंगे किसी वेलोसिटी यू से, है ना, तो पहले ये ऊपर जाता है, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है जीरो, उसके बाद ये वापस नीचे रिटर्न होता है ना। अगर मैं ऐसा करता हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ और डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव लेता हूँ, तो एक्सेलरेशन जो है इसका हमेशा ही माइनस जी आएगा। माइनस जी इसलिए क्योंकि पार्टिकल ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, mg फोर्स जो है हमेशा नीचे लगता है। mg फोर्स नीचे लगता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हमेशा नीचे रहता है, तो ये हमेशा निगेटिव रहेगा। तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर मैं इस पार्टिकल का वेलोसिटी निकालना चाहूँ, तो इनिशियल वेलोसिटी है पॉजिटिव डायरेक्शन में। एक्चुअली मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी किसी टाइम टी पर v, और इनिशियल वेलोसिटी u पॉजिटिव में है, एक्सेलरेशन है माइनस जी और टाइम टी। तो ये वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन आ गया। ठीक, हमें ग्राफ प्लॉट करना है किसका, वेलोसिटी और टाइम का, यानी कि एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी है और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पर टाइम है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन को सही तरीके से समझने के लिए वी को मैं वाई से रिप्लेस करता हूं और टी को एक्स से रिप्लेस करता हूं। ठीक, वी को वाई से क्योंकि वी वाई एक्सिस पर रखा है और टी को एक्स से क्योंकि टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पर रखा है, बाकी दोनों कॉन्स्टेंट है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सी माइनस एम एक्स। तो देखेंगे कि रिलेशन आया x और y में, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। जैसा हम सब जानते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ऐसा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जिसका स्लोप निगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, है ना। तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक, तो ऐसा ग्राफ देखेंगे, यहाँ पर b दिया हुआ है जिसमें कि पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर जा रहा होगा, जब ऊपर जा रहा होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव, फिर वापस जब नीचे आएगा तो वेलोसिटी निगेटिव में हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी निगेटिव में हो गया, ये वो टाइम है जब वेलोसिटी इसका जीरो हुआ होगा। यहाँ वाला जो टाइम है, सपोज वो टी नॉट टाइम है, तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हुआ होगा। बाकी सारे ग्राफ गलत हैं, जैसे ये वाला ग्राफ देखेंगे तो इस ग्राफ में क्या गलत है, इसमें गलत ये है कि एक ही टाइम पर दो दो वेलोसिटी दिखाया गया, एक ही इंस्टेंट पर पॉजिटिव और नेगेटिव दो दो वेलोसिटी दिखाया गया, जो कि गलत है। इसमें क्या गलत है, वेलोसिटी हमेशा ही पॉजिटिव है, पहले वेलोसिटी घटता हुआ दिखाया गया स्पीड और फिर बढ़ता हुआ दिखाया गया, लेकिन हमेशा पॉजिटिव ही दिखाया गया, नेगेटिव कभी नहीं आया, जबकि एक बार पॉजिटिव में जा रहा होगा फिर बाद में निगेटिव में भी आ रहा होगा, इसलिए गलत है ना। और डी वाला क्यों गलत है, इसमें भी वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है, पहले बढ़ता दिखाया गया बाद में घटता हुआ दिखाया गया, है ना, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव दिखाया गया इसलिए यह गलत है ना। और शुरू में बढ़ भी नहीं रहा, शुरू में तो वेलोसिटी घट रहा होगा, इसमें बढ़ता हुआ भी दिखाया गया है इसलिए भी गलत है।